हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स डेली बेसिस एमसीक्यू सेक्शन 27th October 2020. वेलकम ऑन माय upsc.com. दिस सेक्शन इज स्पेशली फोकस्ड ऑन यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो लाइक स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स. Let's begin some important MCQs of 27th October, 2 days. Question number first. What is Khadi Ohaka? This is in news recently because Prime Minister in his address on Mann Ki Baat talk about this issue Khadi and mention the Khadi Ohaka. Khadi Ohaka is a farm to garment collective which comprises around 400 families which live and work on traditional farms and homesteads in the Ohaka region of southern Mexico. Okay, so what is this Khadi Ohaka? ये मैक्सिको का लोकल ब्रांड है. जैसे हमारे यहाँ खादी है तो ये ओहाका, वहाँ का खादी ओहाका बोला जाता है. लोकल ब्रांड है, मैक्सिको की खादी है ये. सो द करेक्ट आंसर इज ए, फार्म टू गारमेंट कलेक्टिव इन मैक्सिको. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे से प्रैक्टिकेबल जो क्वेश्चंस है वो ही मिलेंगे आपको. प्रोडक्टिव क्वेश्चंस है, जो ज़्यादा ऐसे नहीं है कि कोई सा भी क्वेश्चन बना के और आपको यहाँ प्रेजेंट कर दिया. नहीं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो ही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वल्चर स्पेसीज आर लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड अंडर IUCN रेड लिस्ट. देखिए, अगर आप UPSC की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो IUCN के बारे में आपको पता होना चाहिए कि IUCN क्या है और इसके क्या फंक्शंस है, ये कैसे काम करता है. IUCN है जो ये इस तरह की लिस्ट प्रिपेयर करता है डेटा कलेक्ट करके कि कौन सा एंडेंजर्ड है, कौन सा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन एक्सटिंक्ट है. ये IUCN की कोई रेड लिस्ट में है या कौन सी लिस्ट में है, तो IUCN के बारे में जाके और ज़रूर पढ़ना एक बार. इसकी IUCN की वेबसाइट भी है, उस पर भी जाके आप सिंपल इंट्रोडक्शन भी पढ़ लीजिएगा तो भी समझ में आ जाएगा. सो क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं इसके, विच वन इज़ द करेक्ट. क्रिटिकली एंडेंजर्ड अंडर IUCN रेड लिस्ट की बात हो रही है ये. ओके, फर्स्ट वन इज वाइट, सेकंड स्लेंडर बिल्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर. ओके, सो विच वन इज इन द क्रिटिकली एंडेंजर्ड अंडर IUCN रेड लिस्ट. 9 स्पेसीज ऑफ वल्चर्स आर फाउंड इन इंडिया. अभी फिलहाल है जो 9 स्पेसीज हैं इंडिया में वल्चर है. द स्पीसीज वर्स्ट इट आर वाइट रम्प, इंडियन लॉन्ग बिल्ड एंड स्लेंडर बिल्ड वल्चर्स. दीज आर ऑल्सो लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट. ओके, सो और द वाइट रम्प्ड वल्चर हैड प्रीवियसली नंबर्ड इन द मिलियंस एंड वॉज पॉसिबली द मोस्ट अबंडेंट लार्ज बर्ड ऑफ प्रे इन द वर्ल्ड. सो ये जो सफेद पीठ वाला गिद्ध बोलते हैं इसको, और अफ्रीका में भी काफी पाया जाता है ये, अफ्रीका में, इंडिया में भी है लेकिन इसके रिलेटिव अफ्रीका में भी है. सो ऑल द 3 आर इन IUCN क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेड लिस्ट. सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. थर्ड वन,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द किसान सूर्योदय योजना। किसान सूर्योदय योजना इसके बारे में देखते हैं। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। द स्कीम एम्स एट प्रोवाइडिंग सोलर पावर टू फार्मर्स फॉर इरिगेशन ड्यूरिंग डे टाइम। सो ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज ए स्कीम ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड 3 प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग किसान सूर्योदय योजना फॉर द फार्मर्स इन गुजरात रिसेंटली। ओके, सो दिस इज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। दिस इट इज ए स्कीम ऑफ गुजरात गवर्नमेंट। स्टेटमेंट टू, अंडर द स्कीम फार्मर्स विल बी एबल टू अवेल पावर सप्लाई फ्रॉम 5 AM टू 9 PM, सुबह 5 से शाम को 9 बजे तक, फॉर इरीगेशन पर्पज। द स्टेट गवर्नमेंट हैज अलोकेटेड ए बजट ऑफ ₹3,500 crore फॉर इंस्टॉलिंग ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर दिस स्कीम बाय 2023। ओके, इसके लिए गवर्नमेंट ने बजट भी दिया है 3500 crore का। और इसमें है जो अभी रिसेंटली है जो कुछ डिस्ट्रिक्ट ही कवर हुए हैं, जैसे कि खेड़ा है, वलसाड है, आनंद है, गिर सोमनाथ है, पाटन है, और 23 तक इसमें सारे कवर हो जाएंगे। सो द स्टेटमेंट टू इज करेक्ट वन। द स्कीम एम्स एट प्रोवाइडिंग सोलर पावर टू फार्मर्स फॉर इरिगेशन ड्यूरिंग डे टाइम। सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द येलो डस्ट ब्लोइंग फ्रॉम चाइना रिसेंटली। ओके, इट इज द सैंड फ्रॉम थार डेजर्ट दैट ब्लोज इनटू नॉर्थ एंड साउथ कोरिया थ्रू चाइना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज इश्यूड एडवाइजरी वार्निंग द स्प्रेड ऑफ सार्स कोविड टू थ्रू दिस डस्ट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट को देखते हैं। दिस येलो डस्ट रेफर्स टू सैंड फ्रॉम मंगोलियन एंड चाइनीज डेजर्ट्स दैट ब्लो इनटू नॉर्थ एंड साउथ कोरिया एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर। इट इज ऑल्सो इंटरमिंगल्ड विथ टॉक्सिक डस्ट दैट फॉर ईयर्स हैज रेज्ड हेल्थ कंसर्न इन बोथ दीज कंट्रीज, सदर्न साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। सो ऑप्शन फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज दिस सैंड इज नॉट फ्रॉम थार डेजर्ट, इट इज फ्रॉम द चाइनीज एंड मंगोलियन डेजर्ट्स। स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज WHO has not issued any such as advisory. North Korea has through warned its citizens to stay indoors over fear that yellow dust which blooms in from China could bring coronavirus with it. और जो US का CDC है, Center for Disease Control, उसने भी वार्न किया है। और ये है जो इन्होंने लोकल लेवल पे खुद के गवर्नमेंट ने वॉर्न किया, नॉर्थ कोरिया ने, कि जो ये डस्ट आ रही है चाइनीज और मंगोलियन डेजर्ट से, उसमें कोरोना वायरस के काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है, तो आप घर में ही रहिए। सो बोथ दीज ऑप्शंस आर इनकरेक्ट एंड द राइट आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are safe water releaser and safe minimal aluminum that have been in news recently? Swas and Safal
ये दो नाम आप ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। अभी आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं रिसेंटली, तो अभी CSIR साइंटिस्ट ने डेवलप किया है एक लेस पोल्यूटिंग फायर क्रैकर्स विच आर नॉट ओनली एनवायरमेंट फ्रेंडली बट 15-20% चीपर देन द कन्वेंशनल वन। दीज क्रैकर्स हैव बीन नेम्ड एज सेफ वाटर रिलीजर स्वास एंड सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम सफल एंड सेफ थर्मिट क्रैकर स्टार। एक और है इसमें स्टार, स्वास सफल एंड स्टार, स्टार इज सेफ थर्मिट क्रैकर। ओके, ये एक तो इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, सेकंड जो कन्वेंशनल फायर क्रैकर्स आ रहे हैं मार्केट में उनसे 15-20% चीपर है। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन, लेस पॉल्यूटिंग फायर क्रैकर्स, स्वास सफल एंड स्टार, ये तीन नाम आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इट इज ए स्टेचुटरी बॉडी constituted under Environment Protection Act 1984. Second one, the Prime Minister is the chairperson of the board. Which of the statements given above are correct? देखो statement first की देखते हैं, National Board for Wildlife is a statutory body constituted under Wildlife Protection Act 1972. Okay? ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1984 में इसको नहीं बनाया है, ये 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसके अंडर कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। ये देखिए स्टेचुटरी बॉडी क्या होता है, जिसको पार्लियामेंट इनेक्ट करता है बाय लॉ। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, सपोज दैट UPSC, ये स्टेचुटरी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये पार्लियामेंट ने बनाया है तो ये स्टेच्यूटरी बॉडी है, ये फर्क आप समझना। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, नॉट 1984 एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सेकंड वन, द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड, so it is correct because the prime minister is the chairperson of the board and the minister of environment forest and climate change is the vice chairman of NBWL। ये इस तरीके के क्वेश्चन UPSC बहुत बार पूछता है, कंफ्यूज कर देता है, आप जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। Thank you so much. Please subscribe if you found useful. Best wishes for your upcoming exams. Thank you.